पंजाब के खेतीबाड़ी मंत्री कुलदीप सिंह तालीवाल ने इल्जाम लगाया कि कैप्टन सरकार वेले खेतीबाड़ी घोटाला होया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह तक भी इस घोटाले की जांच की आंच पहुंच सकती है। इल्जामों मुताबिक 2018-19 और 2020-21 के बीच पराली के निपटारे के लिए केंद्र के वलों 1100 करोड़ रुपए भेजे गए सन, पर इन्हों रुपयों के 150 करोड़ रुपए का घोटाला होया। ये इल्जाम खेतीबाड़ी मंत्री ने लाए ने ते उन्होंने पूरी रिपोर्ट बना के मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं भेज दी है ते मंग कीती है कि इस मामले दे विच जांच पड़ताल करवाई जाए। नाल ही उन्होंने दम भरिया कि जो भी दोषी होएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दस दिए कि उस वेले कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री सन ते खेतीबाड़ी महकमा भी उन्होंने कोले ही सी। 150 करोड़ की मशीनें जड़ी आप मेरे पास लिस्ट है, जहां जहां से मशीनें पहुंचनी चाहिए वहां वहां नहीं पहुंची, तो हमने कैलकुलेट किया, अफजा कैलकुलेट किया। तो बाकी हमने अपने मान जो मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी को जो अपील की है कि आप इसको चाहे विजिलेंस से इंक्वायरी करा लो, कहीं और एजेंसी से करा लो, कहीं और अफसर से करा लो, और हमने वो पूरी फाइल डन करके हमने पंजाब के मुख्यमंत्री को भेज दी है कि आप जे इंक्वायरी करके जो भी लोग दोषी पाए जाए, चाहे वो मशीन बनाने वाले थे, चाहे कोई साडा अफसर था, चाहे कोई पॉलिटिकल लोग थे, इतों तक के चाहे कोई किसानों ने गड़बड़ की, सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सर उस समय जे स्कैन जो हुआ जे 18 तो 19 21 तो 22 उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, और महकमा भी उनके पास था, उनकी डबल जिम्मेदारी है। जो मुख्यमंत्री होता है वो स्टेट का हेड होता है, उसको सभी पता होता है कि स्टेट में क्या हो रहा है, क्योंकि हम रोज बताते हैं, जैसे हम अपने सीएम को रोज बताते हैं सुबह उठ के क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ऐसे ही उनकी डबल जिम्मेदारी होगी, क्योंकि वो इस महकमे को भी देख रहे थे और उनकी अगुवाई में इतना बड़ा मतलब जो स्कैम हुआ।